पांचों निर्वाचन क्षेत्रों हमीरपुर, नदौन, बड़सर, सुजानपुर तथा भोरंज के लिए गठित निर्वाचन व निगरानी कमेटियों के पदाधिकारियों के लिए बचत भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तहसीलदार निर्वाचन उपेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला में कमेटियों के पदाधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों के खर्चे पर निगरानी रखने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में पांचों निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर भी उपस्थित रहे। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही जिला प्रशासन ने भी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। साथ ही कर्मचारियों को चुनावों को सही ढंग से करवाने के लिए तैयारी करवाई जा रही है। गौरतलब है कि नवंबर या दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव तय हैं, जिसके चलते ही कर्मचारियों को भी रिहर्सल करवाना चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, ताकि चुनाव सही से मुकम्मल हो सके। तहसीलदार निर्वाचन उपेंद्र शुक्ला ने बताया कि चुनाव के नजदीक आने पर हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है और चुनावों के लिए ही इलेक्शन मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावों के चलते टीम को 5 भागों में बांटा गया है और हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपा गया है, जिसके चलते जब भी चुनावों का आदेश आएगा तब चुनाव करवा दिए जाएंगे। उपेंद्र शुक्ला हूँ मैं, निर्वाचन तहसीलदार के पद पे यहाँ पे हमीरपुर में कार्यरत हूँ और इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम की आज यहाँ पे ट्रेनिंग कराई गई। हमने हर कंस्टिट्यूएंसीज में 5 तरह की टीम्स बनाई हैं, जिसमें फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम और काउंटिंग टीम, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, ये सारी टीमें थी और पांचों कंस्टिट्यूएंसीज से जो लोग थे वो यहाँ पे बुलाए गए थे और उनको हमने इस एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के बारे में उनको बताया और ट्रेनिंग की। कुछ नहीं कह सकता, भारत निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव कराने का आदेश देगा तो इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है और जब भी निर्देश प्राप्त होंगे चुनाव करवाने के लिए हम सक्षम हैं।